हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स किचन। क्या आप भी यही समझते हैं कि महिलाओं के काम आसान होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे पहले ट्रिक है मेरी आटे को लेकर। जब हम आटा लगाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना चाहिए, जिससे बृहस्पति जी शांत रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस आटे को गूंथ लेते हैं, और इसका हम एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके कर देना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आटा लगा लिया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब ये जो हमारे हाथ पर आटा लग जाता है, तो इसके छुड़ाने के लिए हम हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और फिर हम आटे को गूंथेंगे। तो ये जो हमारे हाथों में चिपका हुआ आटा है, सब आटे पर ही जाकर चिपक जाएगा और हमारा हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा, और हमारी परात में भी आटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये आटा लगाने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल साफ हो गया है, सारा आटा आटे पर ही चिपक गया है। तो अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी आटे को ही लेकर। जब हम आटा लगा लेते हैं और खाना खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है उस समय, तो हमें आटा वापस फ्रिज में रखना होता है। तो ये जो पॉलीथीन होती हैं, जो रिफाइंड ऑयल की बच जाती हैं, तो उसमें हमें रख देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा आटा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिज में हार्ड हो जाता है और इसमें सॉफ्ट आटा हमारा बना रहेगा। और तीसरी ट्रिक आती है हमारी ये रायते को लेकर। जब हम लौकी का रायता बनाते हैं तो उसे हमें छौंक जरूर से डालना चाहिए, उसमें जीरा हींग और हमें इसमें थोड़ी लाल मिर्च और हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। और इससे देखेंगे फ्रेंड्स, आपका रायता बहुत अच्छा टेस्टी बन करके तैयार होगा। और उसमें थोड़ा सा काला नमक भी जरूर से आपको ऐड करना है। यदि आपके पास थोड़ा पुदीना सूखा हुआ हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब चौथी ट्रिक आती है हमारी दवाई को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर में जो दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसके एक्सपायर डेट का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो हमारे हाथ लग लग के वो सारी डेट छूट जाती है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं एक सेलो टेप। तो इसी तरह से हम सभी दवाइयों पर सेलो टेप लगा देते हैं, तो जो एक्सपायरी डेट है वो छूट नहीं पाएगी और हमें दवाई पूरा यूज़ हम दवाई को कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे पैसों की बचत होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब ये दवाई को जो डब्बा होता है इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। तो जो इसका ये ऊपर का पार्ट है इसे हम काट लेते हैं। तो इसे काटने के बाद इसका हम एक बहुत बढ़िया सा यूज़ बताएंगे। तो ये हमने काट लिया है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जब हम दवाई पीते हैं तो क्या होता है, कभी कभी साइड से दवाई निकल कर नीचे पहुँच जाती है, यहाँ से निकल के नीचे पहुँचती है और हमारा सेल्फ ख़राब हो जाता है। तो आप अपनी दवाई को इसी डब्बे में रखिएगा तो आपका सेल्फ बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपको साफ भी नहीं करना पड़ेगा, तो इससे आपके समय की बचत होगी। तो ये अगली ट्रिक आती है हमारी सुई धागे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, छोटी छोटी सुइयों में हमें धागा नहीं डल पाता है। क्या होता है कि हमारी आई साइड वीक हो जाती है और हमें सही से दिखाई नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में हम अपनी सुई में धागा कैसे डालें, तो हमें ले लेनी है फूल झाड़ू की एक सीख। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसे इस तरह से मोड़ लेना है और उसे हम सुई में आसानी से डाल सकते हैं, और बस इसी में हमें धागे को डाल लेना है। तो ये सुई धागे इसमें चली गई है और बस इसी के अंदर हम धागा डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बस इसी में हम ये धागा इस तरह से पिरो लेते हैं। हमने फूल झाड़ू की सीख में धागा पिरो लिया है। अब बस जैसे ही इस सीख को हम अंदर से करेंगे तो उसी तरीके से ये धागा सुई में चला जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इसे पूरा देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितनी आसानी से सुई में धागा जा रहा है, इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है और सुई में धागा हमारे चला गया है और कितनी ही आसानी से हमने धागे को डाल लिया है। तो इसे हमें जब कम दिखाई देता है उस समय भी हम धागा डाल सकते हैं, और हमने नीचे से धागा बराबर करके उसमें एक गांठ लगा दी है और बस अब हमारा सुई धागा सिलाई के लिए तैयार है। अब आप इसे तुरपाई करें या फिर सिलाई करें। जब तुरपाई करनी होती है तो हमें एक ही धागे में गांठ लगानी होती है, जब तुरपाई नहीं करते हैं, जब और सिलाई करते हैं, तो हमें दोनों धागों की गांठ लगा देनी होती है। और इस तरीके से आप रील में भी इस तरह से रख सकते हैं बचे हुए धागे और सुई के साथ। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड, जब आपको कुछ ऐसी अच्छी टिप मिल जाती है कि जो आपके काम को आसान करें, तो कितना अच्छा होता है।
तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने वीडियो में आपको ये टिप्स बताई हैं, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा। और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर भेजिएगा। आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो टिप मैं लेकर आई हूँ, तो ये सारी टिप्स आपके पैसे और समय की बचत करने वाली हैं और आपके काम को आसान बनाने वाली हैं। इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। बाय बाय।